पता नहीं क्या जवाब देंगे आप डैड के सवालों का। हजार सवाल होंगे उनके पास करने के लिए, लेकिन आपके पास उनके सवालों का एक जवाब भी नहीं होगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। या अल्लाह तू रहीम, मैं तू करीम, रहम करते हम। हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लिया जाए उतना अच्छा होता। मान ले कि भाग गई आपकी बेटी किसी के साथ, खुदा का वास्ता समरीन चुप हो जाओ, मुझ पर रहम करो तुम। हमें तो चुप करवा लेंगी आप, लेकिन दुनिया वालों का मुंह कैसे बंद करेंगी? एक स्लाइड चलने की देर है न्यूज में और धज्जियां उड़ गई हमारी इज्जत की। चील कबों की तरह ये दुनिया खा जाएगी हमें, तब क्या करेंगी आप? क्या बदतमीजी है यार। से दरवाजा बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोला तुम? मुझे आवाज नहीं आई। वो तो मैं देख रहा हूँ, आवाज नहीं है। क्या बात है, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? खैर छोड़ो, आओ चाय पियो। मुझे नहीं पीनी सर। पी लो, झूठी नहीं है। खाला कहाँ? क्यों, हाथ मांगने आए हो? राबिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लीज ये ख्याल अपने दिल से निकाल दोगी तो। कैसे निकाल दूं? मालूम है किसी लड़की का दिल तोड़ना शीशा तोड़ने के बराबर होता है। एक बार अगर टूट जाए ना तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता। ठीक है, फिर एक काम, इस घर के सारे शीशे तोड़, दोबारा जोड़। अगर जुड़ जाते हैं तो मुझे बताना, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन तब तक ऐसी बातें नहीं करेंगे, ठीक है? अब बताओगी खाला कहाँ है? मुझे काम है उनसे बहुत जरूरी। खुद ही पता कर लो। अच्छा वो आए तो उन्हें मेरा मैसेज दे देना कि मैं आया था। मैं क्यों मैसेज दूं, खुद पता करो। किस बात के नखरे इसको यार? राबिया, राबिया के पास हो कि निम्रा? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? निम्रा तुम्हारे पास है? नहीं तो, मेरे घर तो नहीं है आंटी, वो अभी तक घर नहीं पहुंची। बेटे उसको ढूंढो, वो घर नहीं आई है, मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। मैंने उसे कहा था कि मैसेज कर दे, आपने फोन किया उसे? अरे दोस्तों मैं पता करूं, मैं तुम्हारे जाऊंगी अपनी बच्ची के बगैर, कुछ करो बेटे। पैसे थे उसके पास? हाँ, मैंने आज सुबह उसे 500 रुपए दिए थे, कुछ करो बेटे, जल्दी करो। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं कुछ करती हूँ। इंतजार कर रही हूँ बेटा, जल्दी करो। इंतजार कर रही हैं आप? अब सिर्फ डैड के आने का इंतजार करें और सोचें कि क्या जवाब देना है उन्हें। अल्लाह मेरी बच्ची। राबिया, राबिया मैं कॉलेज में हूँ। हेलो निम्रा, आवाज नहीं आ रही। हेलो, मुसीबत है यार। Ha ha ha!
इतना थोड़ी है जावेद साहब, बस ना आपको अच्छे से किराएदार ढूंढ दो, पूरे 5,000 ज्यादा लूंगी इस बार, कर दो जल्दी से। अरे है कौन सी आफत आ गई है? भाभी वासित कहाँ है? जल्दी बताए वासित कहाँ है? अंदर ही होगा, हुआ क्या है बताती तो जाओ। मुंह उठाया और चल दी अंदर। कसम से मैंने ये किया होता ना, मेरी माँ ने टांगे तोड़ देनी होती मेरी। धनी कौन सा मजबूरी का रोना रोएगी अब बासित के सामने, छुड़ैल कहीं की। बासित आ रहा प्यार। बासित मेरे साथ चलो। क्या हो? वो मेरी दोस्त, ये सब छोड़ो अभी, की वक्त सवाल जवाब का नहीं है यार, चलो। बासित कहाँ जल्दी है? जी भाभी मैं बस 2 मिनट। बता के तो जाओ। भाभी जरूरी काम। अरे जा कहाँ? मैं बस आया। अरे सुन तो लो। आया आया। हे अल्लाह। अगर निम्रा के बारे में पूछ लिया तो क्या कहूंगी? या अल्लाह क्या करूं मैं? हेलो डैड। हेलो। सलाम अलैकुम। ये शिजा को तुमने शॉपिंग पे जाने की इजाजत दी थी, जबकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कॉलेज जाने के अलावा जहां कहीं भी जाएंगी मेरी इजाजत के बगैर नहीं जाएंगी। तुम मां हो उनकी, साथ भी जा सकती थी। जी। क्या जी? तुम्हारे नजदीक मेरी किसी बात की कोई अहमियत है भी या नहीं? जी। अब के बाद अगर ऐसी कोई गलती तुमने की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर के बाहर मेला लगता है, सड़कों पे भेड़िए घूमते हैं, नजरें गाड़ देते हैं। मैं अपनी बेटियों को कोई नुकसान होना ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी मैडम, आप प्लीज जैसे ही आपको कुछ पता चले आप कॉल कर लीजिएगा हमें, मैं वेट कर रही हूं, हम बहुत परेशान हैं। ओके थैंक यू मॉम, मैंने हर जगह कॉल करके पता कर लिया, निम्रा का कुछ पता नहीं चल रहा। व्हाट? कहाँ है निम्रा? कहाँ है निम्रा? अरे मैं पूछ रहा हूँ कुछ, कहाँ है निम्रा? डैड निम्रा कॉलेज से वापस नहीं आई अभी तक, और समरीन बता रही थी कि उसने निकलते वक्त देखा था। वाह, यहां ये सब कुछ चल रहा है? तुम्हारी अपनी बेटी है और तुम्हें मालूम नहीं है कहां है वो? तुम्हारी नाक के नीचे वो एक घिनौना खेल खेल रही है? इंसान गुनाह तो नहीं छुपा सकता ना, तो फिर और मुझे पता है कि मेरी बेटी मेरी रुसवाई का सबब कभी भी नहीं बन सकती। मां फिलहाल तो ये दुआ करो कि उसका ये गुनाह छुप ही जाए, क्योंकि अगर मैं इतना सभी दुनिया के सामने जलील हुआ ना, या मेहमानों के सामने ये जिक्र दिया, तो ये मेरा वादा है कि इस घर में तुम्हें तो मैं रहने नहीं दूंगा। तो फिर ऐसा मत कहिए, मैं आती होगी अभी बस, आके अपनी बेगुनाही साबित भी कर देगी, मुझे यकीन है इस बात का। निम्रा के सिवा इस घर में 2 जवान बच्चियां और भी रहती हैं, और उसकी इस हरकत की वजह से इनका मुस्तकबिल तबाह हो सकता है, जानती हो ये बात? खुदा करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो उसका अंजाम तुम अच्छी तरह जानती हो। लगाओ इसकी दोस्त को फोन, मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू AIY डिजिटल्स YouTube चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू ऑल द न्यूज़ एंड अपडेट्स।